स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने यह जानकारी दी। वह पिछले करीब एक महीने से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। जानकारी के अनुसार सुबह 8:12 के दरमियान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने के साथ ही एक युग समाप्त हुआ है, ऐसा मत उनके चाहने वालों में से एक शहर के आशीष शिवालकर ने व्यक्त किया। ऐसा कहते हैं कि इंसान का जन्म जिस जगह पर होता है वहाँ के गुण उसमें जीवन पर्यंत रहते हैं और इसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वर कोकिला लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। जन्म के बाद जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि इंदौर की गलियों में जन्मी बच्ची संगीत की दुनिया की सरताज बन जाएगी। आज सुबह हुई उनकी मृत्यु से हर कोई शौक में है, वहीं संगीत जगत को एक बेहद बड़ा झटका लगा है। लता जी की मृत्यु के बाद अब रह गई है तो उनकी यादें। ऐसे ही उनकी कुछ यादों को ताजा किया लता जी के चाहने वालों में से एक शहर के आशीष शिवालकर ने। आज का दिन ये एक युग का अंत है, एक व्यक्ति की व्यक्ति का निधन नहीं हुआ है, एक युग समाप्त हुआ है। क्योंकि दीदी जो थी ये पर्सन नहीं थी, अपने आप में एक फेनोमेना थी। उनके रूप से भारत में एक युग का निर्माण हुआ और जिसका आज अंत हुआ है। मैं ये कहूँगा कि संगीत के क्षेत्र में एक ईश्वरीय अवतार की आज समाप्ति हुई है। ये मानवीय अवतार नहीं था, ये ईश्वर का अवतार था। उनकी एक ही याददाश्त जो मुझे याद आ रही है वो आज बताऊँगा। मुंबई का चतुरंग करके संस्था है, उनके तरफ से उनको जीवन गौरव पुरस्कार मिला था। ये जीवन गौरव पुरस्कार गोवा में दिया गया था, 2004 साल की बात होगी। उस पुरस्कार के लिए झाकिर हुसैन जी को बुलाया था, उनका परफॉर्मेंस लगा था, तो उनका सोलो परफॉर्मेंस था तबला पे। तो उस दिन सामने आशा ताई बैठी थी, दीदी बैठी थी, इसलिए झाकिर जी भी एक खास अलग मूड में थे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने और जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ सब लोग कहने, पूरा ऑडिटोरियम स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सब उठ के तालियां बजा रहे थे, दीदी भी उठ के खड़ी थी। झाकिर जी ने तबला छोड़ा और सीधा स्टेज से नीचे जंप मारी उन्होंने और दीदी के पैरों के पास बैठ गए और दीदी की चप्पल अपने हाथों से निकाला, फिर अपने जेब से रुमाल जो है हैंकरचिप वो निकाला और दीदी के पाँव पहुँचे उस हैंकरचिप से और वो धूल अपने कपाल अपने मस्तक में लगाई। दीदी भी एकदम भाव विभोर हो गए थे तब। फिर दीदी ने उनके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी वो निकाली और वो झाकिर जी को दी। ये एक ही याददाश्त अभी मैं बता सकता हूँ। लता जी के निधन से जितना आहत संगीत जगत हुआ है उतने ही उनके चाहने वाले भी इस दुखद खबर से आहत हुए हैं, लेकिन अब उनकी यादें और गाने ही लोगों के मन में रह गए हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा टवा, BCN News नागपुर।